नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। बात करेंगे एबीबी इंडिया लिमिटेड के बारे में। आज के स्टॉक के अंदर आपको एक बड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है 5.5% तक का। और यहाँ पर अगर सोच रहे हो कि कोई खराब अपडेट आया है क्या, क्योंकि कोई भी स्टॉक ना का 20% अपसाइड भाग जाता तो सोचने लगते कोई अच्छा न्यूज आया या यहाँ पे गिर गया तो कोई खराब अपडेट आया क्या। तो देखिये यहाँ पे अभी मार्केट में ना कोई भी अभी ना खराब अपडेट अभी तक तो नहीं आया। जो एक बड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था 8,800 का लेवल था। इसको क्रॉस करने की ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया और मार्केट हमारा आज दिन निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा कमजोर था। उसका भी सेलिंग प्रेशर था मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे काफी लोग सेल करके निकल लिए और इस वजह से एक बड़ा सा सेलिंग प्रेशर मिल गया और स्टॉक्स ने आज 5.5% का गिरावट देखने मिल रहा है और 500 पॉइंट का आपको नुकसान भी हुआ है। अभी क्या करना चाहिए टेक्निकल के पर्पज से? तो देखिए स्टॉक्स जो है काफी अच्छे लेवल से रिजेक्शन लिया है और मार्केट थोड़ा कमजोर है, तो यहाँ पे पहला सपोर्ट लेवल जो रहेगा आपको मिलेगा वो 800 के लेवल पे मिलेगा। मतलब अभी भी यहाँ पे ना 250 से 300 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक कैंडल के भरोसे आप ना यहाँ पे बाइंग पोजिशन नहीं बना सकते हो। कम से कम 8,000 के लेवल पे आता है और यहाँ पे मार्केट ना रुकता है। जैसे यहाँ पे देख लो ना, काफी टाइम से एक साइडवेस मोमेंटम में ट्रेड कर रहा था, तो एक साइकोलॉजी नंबर है 800 रुपए। अगर इसको होल्ड करता है, यहाँ पे रिकवरी करता है, तो पहला टारगेट 8,400 का, दूसरा टारगेट 8,800 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी का ऐसे कमजोरी रहता है तो ये लेवल भी ब्रेक कर देगा, फिर डायरेक्ट आपको मिलेगा ये 7,600 के लेवल पे मिल सकता है। तो सारे कंडीशन आपको बताया हम, चैनल पर एक बार आते सब्सक्राइब जरूर करना। बाइसल को रिकमेंडेशन ही है। जय हिंद।